अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ इफ्तार स्पेशल रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल सी है और इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी से बन जाती है, झटपट से बना सकते हैं आप इसको और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। घर में जो अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गैस पे एक बर्तन में पानी ले लिया है और इस पर मैंने 2 एग डाल दिया है और इसको बॉईल कर लेते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक हम इसके लिए घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन ले लिया है और अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जितना आप खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे अच्छा टेस्ट आता है, इस टेस्ट को इन्हेंस करेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया 1/2 टीस्पून जैसा और इसको मैंने क्रश करके डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, पानी इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका एक घोल बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। और इसमें पानी एक दफ़ा नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक दफ़ा में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ आने लगेंगी और लम्स आने लगेंगे, जो अच्छे से नहीं इसका पेस्ट बन पाएगा। तो आपको इस तरह से पेस्ट बना लेना है, इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला ना करे। तो अब इसको फूलने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंडा भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसके सारे छिलके निकाल देते हैं। सारे अंडे के छिलके निकाल के, 2 ही अंडे हैं इसके, दोनों के मैंने छिलके निकाल दिए हैं और अच्छे से निकाल दे, साफ़ कर ले। और इसके अब हम कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडे के बीच से 2 कट्स लगा लेना है और इसको हम 1 अंडे में 4 भाग करना है, मतलब टोटल हमारा होगा 8 पीस। तो इसी तरह मैंने दोनों अंडों को काट लेना है अच्छे से, ध्यान रख के काटें, हाथ में ना लगे, आप अच्छे से काटें, ध्यान रख के काटिए, संभल के काटना है। और देखिए इस तरह आप कट कर ले, बहुत ही सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बस उबाल कर कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया अंडे को अच्छे से, आप भी इस तरह कट कर ले। और चलिए अब इसको हम बेसन में डालकर फ्राई कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बताना है कि मैंने यहाँ पे बेसन में खाने का सोडा यूज़ नहीं किया है, आप हाथों से फेंट ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर बहुत कम समय है तो आप इसमें तभी डालें खाने का सोडा, वरना आप हाथ से ही फेंट ले अच्छा से, वो अच्छे से फूल जाएंगे, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। आप अगर आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, पर इसमें ऑयल बहुत सोख लेता है खाने का सोडा डालने से। आप अगर यहाँ पर ही हाथों से फेंट लेंगे ना तो बहुत अच्छे से फूल के ये आएगा, बहुत अच्छे से फूल जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखा दी, देखिए आप इसमें देख सकते हैं ना कितना अच्छे से फूल चुका है। मैंने इसमें ज़रा सा भी इसमें खाने का सोडा यूज़ नहीं किया है। आप इसको बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये दोनों पके हुए हैं, ज़्यादा कुछ बेसन तो तुरंत फ्राई हो जाते हैं और अंडे तो पहले से उबले हुए हैं। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, लाल करना है और अल्टी पल्टी करके बस इसको फ्राई करके निकाल लेना है प्लेट में। तो ज़्यादा देर तक नहीं करना है, आप इसको बस फ्राई होने तक ही लाल करिए, ऊपर नीचे पलट ले, अच्छे से फ्राई कर ले बस। और ये ज़्यादा सिंपल सी ही रेसिपी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया था ना कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें सिंपल सी रेसिपी है और आप आसानी से बना सकते हैं इफ्तार के वक्त। आपके पास अगर नहीं है कुछ खाने के लिए कुछ मज़ेदार, आप इसे बना ले, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही आसानी से बन भी जाती है और बहुत जल्दी कम समय में बन जाती हैं। आप इसे बना लें और सबको पसंद भी आएंगी। तो हमारा अंडे की रेसिपी, तो आप इसे अंडे की पकौड़े भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम
चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं इफ्तार स्पेशल के वक्त। आपके पास अगर कुछ नहीं है इफ्तार में, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और टाइम भी कम है आपके पास, तो आप इसे बना लें। बहुत कम समय में कम चीज़ों से आप इसे बना सकते हैं और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।